नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। टूट गए ऑस्ट्रेलिया के अरमान। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को रौंद कर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में की एंट्री। कांग्रेस में आज भी वही मानसिकता, संविधान के प्रति प्रेम दिखाने का अधिकार नहीं। आपातकाल का जिक्र कर पीएम मोदी ने बोला हमला। अब रंग बिरंगे चिकन कबाब पर लगी रोक, आर्टिफिशियल फूड कलर पर कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने लगाया बैन। हीट वेव को बाय बाय, दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बदरा। गुजरात केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। रोंगिया और बांग्लादेशियों की तस्करी में शामिल 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, फर्जी भारतीय दस्तावेज करने का भी आरोप। तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी को लेकर कांग्रेस ने साधी चुप्पी, भाजपा ने उठाए सवाल, अब तक 58 लोगों की हुई मौत। जेपी नड्डा ने स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की, बोले बच्चों की मौतें शून्य करने का है लक्ष्य। मणिपुर मामले पर हो संसद में चर्चा, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर निकाला विरोध मार्च। मथुरा पुलिस ने किया 1 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा, चोरों ने गोवर्धन परिक्रमा लगाई, फिर की वारदात, यूट्यूब से ली मदद। अनंत की हल्दी में बनारस की खास साड़ी पहनेंगी नीता अंबानी, 70 साड़ियों के लिए ऑर्डर। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।